नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बिगुल जो है बजने को तैयार है और वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आज किस तरह से जो है वहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी साहब का साफ तौर पर इस बात को लेकर जिक्र है कि किस तरह से मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए और मुस्लिमों का जो कोर वोट बैंक है उसको रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर जो है जोर दिया जा रहा है कि यहाँ पर कितने परसेंट जो है जो जाट हैं उनके जो है नेता है, गुजर के नेता है, तो राजस्थान में मुस्लिमों की लीडरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में इस बात को लेकर पहले से ही हलचल मची हुई थी और उसके बाद यह माना जा रहा था और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की वहां एंट्री होती है तो क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, जैसे कि कर्नाटक में हुआ, जैसे कि बिहार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से वहां पर जो है वहां पर कहीं ना कहीं शिकस्त मिली। हालांकि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की रैली भी होने वाली है और वहां पर वो जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे और उसके बाद जिस तरह से वोटों को रिझाने की कोशिश हो रही है, जो मुसलमानों को मुत्तहिद करने की जो बात हो रही है, क्या ओवैसी के साथ वो लोग आएंगे, क्योंकि जिस तरह से जुनैद नासिर का जो है वहां पर मामला हुआ, आग से जो है मतलब जलाने का मामला हुआ और वो मुद्दे को किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भुनाया और उसके बाद वहां जाकर पीड़ित परिवार से मिलते हैं और 1.5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत के पे अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें हो जाती है। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी एसटी ओबीसी को वो किस तरह से जो एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो दलित के लेकर के भी वो साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि दलित और मुस्लिम को एक साथ चलने की जरूरत है, आदिवासी भाइयों को एक साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से और जो विचारधारा की पार्टियां हैं वो किस तरह से जो है इन लोगों को दरकिनार कर देती है, जो मूलभूत मुद्दे है, होते हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है, जो जो चीजें होती है उसको कहीं ना कहीं जो है वो साइड कर दिया जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं, हर चीज पर वो मुखर के आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन राजस्थान में जो सियासी हलचल तेज हुई है असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री होने के बाद, तो क्या वो वोट को इकट्ठा कर पाएंगे या कांग्रेस को वहां पर जो है कहीं ना कहीं शिकस्त मिलने वाली है, इससे असदुद्दीन ओवैसी को क्या कुछ फायदा होगा, ये तो चीजें अभी गर्भ में पल रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर जिस तरह से मुस्लिमों का कोर वोट बैंक जो है वो अगर इनको लग जाता है या फिर इनको पड़ जाता है या फिर पतंग पर कहीं ना कहीं अगर आकाश में उड़ती है तो कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा होगा। दरअसल इस बात का जिक्र बार बार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से सीमांचल में भी वो दौरा करने वाले और 2024 के चुनाव को लेकर भी काफी वो मुखर हो चुके हैं और विधानसभा राजस्थान में है, वो सर पे है और किसके सर सर जो है जीत का सहरा होता है और कौन जो है ताज पहनते हैं, क्या वहां पर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बन सकते हैं, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह से वो बोलते हुए नजर आए, वो मुखर होकर आवाज उठाते हुए नजर आए कि जो मुस्लिम का वहां पर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनको अपनी जो है मतलब लीडरशिप चुनने की वो बात करते हैं हर बात को लेकर कि अपनी लीडरशिप को चुनना होगा, अपने नेता को बनाना होगा और अपने नेता बनाएंगे तभी आपको इंसाफ मिलेगा, तभी आपको सारी चीजें होगी और तभी आपकी बातें सुनी जाएगी, तभी आपको हक हिस्सेदारी मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या वो मुस्लिमों को मुत्तहिद कर पाएंगे, क्या कांग्रेस को वहां पर शिकस्त दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।